सवाल बता रहा हूँ 4.3 का मैं। इसमें लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। ठीक है, योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए, अगर दो संख्याओं का योग 27 है, जोड़ के 27 आ रहा है, तो एक संख्या अगर हम एक्स मान लें तो दूसरी इसमें से ये वाली घटा दो, 27 माइनस एक्स। ये हमेशा याद रखना, इस तरह से अगर दिया हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, उधर धर्मेंद्र, दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है, तो एक संख्या एक्स हो गई, तो 27 में से ये वाली घटा देंगे तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना। अब और गुणनफल 182, और उनका गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना दो संख्याएं एक्स तथा 27 माइनस एक्स है। माना दो संख्याएं एक्स और 27 माइनस एक्स है। अब प्रश्नानुसार यानी कि अपने प्रश्न में जो बोला है उसके अनुसार ये बोला है गुणनफल 182 है इन दोनों का। तो गुणनफल का मतलब एक्स गुणा 27 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना है 182। ये बन गया समीकरण, बस कोई कठिन थोड़ी है। अब समीकरण बन गया, अब हल कर दो। हल कैसे करेंगे, एक्स का 27 में गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स का एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 182। 182 को इधर ले आओ, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 हो जाएंगे बराबर 0। इसको थोड़ा सही से लिख लो, एक्स स्क्वायर पहला लिखा होना चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर 27x प्लस के रहने दो, माइनस के 182 है बराबर 0। अब माइनस का गुणा कर लो, तो माइनस का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 182 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया समीकरण। अब हम क्या है, एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 182 के गुणनखंड, 182 एकम 182, अब इसके गुणनखंड यानी फैक्टर, तो देखो 182 दोनों में 18, दो एकम दो, 9 एक 10 हो रहा है, ये तो अब नहीं कट रहा, 13 सत्तर 91 होता है, 7 एकम 7, चलो ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या लाना है, देखो गुणा करके तो 182 आए, वैसे 27 आ जाए घटा के या जोड़ के। ठीक है पूजा, अब देखो 7 × 2 = 14 और 13, 14 और 13 अगर हम 13 × 2 = 26 और 27 जोड़ के 27 आ रहा है, उन दोनों को 14 और 13 को जोड़ के 27 आ रहा है, माइनस के 27 लाने हैं, तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये हमें 182 बराबर माइनस के ये दोनों करने पड़ेंगे, माइनस के 14 माइनस के 13, तो दोनों जोड़ के माइनस के 27 आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, ये फैक्टराइज हो गया। वो कैसे फैक्टराइज किया मैंने, ये देख लो सर। ठीक है, 14 और 13 गुणा करेंगे 182 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो 27 एक्स को हटा दो और उन दोनों को लिख दो एक्स एक्स के साथ, माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इसको बोलते हैं फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लो दो दो के। ठीक है, इधर ध्यान दें, तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x है, तो यहाँ से x बचा माइनस यहाँ से 14, माइनस यहाँ से 13 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे x बचाना है हमें, 13 कॉमन ले लिए, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, 13 का 14 में गुणा करेंगे तब आता है 182, यहाँ 14 आएगा, ये दोनों कॉमन है, कॉमन लिया ये, अब x माइनस 13 बचा बराबर 0, तो x माइनस 14 बराबर 0, 14 को उधर ले जाओ, x बराबर प्लस के हो जाएंगे, और इसको x माइनस 13 बराबर 0, 13 को ट्रांसफ़र कर दो उधर, x बराबर प्लस के 13, तो दो संख्याएं 13 और 14 हैं,
अतः दो संख्याएं 13 और 14 है। Thank you.